सडन स्टीज। आप एक और एपिसोड देख रहे हो सवाल जवाब विद सज्जू का, और हमारे साथ में आज जो गेस्ट है बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, एंग्रियों में सबसे एंग्री, ब्रैशों में सबसे ब्रैश, एंग्री ब्रैश। ये हैंग हो गया लगता है, चेक करता हूं। क्या है? सॉरी मुझे लगा हैंग हो गए। क्या हैंग हो गया? कंप्यूटर रूम में विंडोज एक्सपी समझ के रखा है? नहीं, वो आप जवाब नहीं दे रहे थे ना, तो सवाल कब पूछा? चलिए हम शुरू करते हैं। एंड एंग्री ब्रैश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और क्योंकि आप आए हैं, आपके लिए मैंने गिफ्ट लाया है। ये मेरा जिम पार्टनर है गोकू, हम लोग साथ में एक्सरसाइज। हाँ, मैं भी बेन 10 के साथ स्क्वाड बना के पबजी खेलता हूँ। मजाक मत की। तो शुरू किसने किया? हाँ ये भी है। अच्छा क्या, ओ अच्छा, तो गोकू को जाना है फ्रीजा से लड़ने के लिए। गोकू जा। इंस्टेंट ट्रांसमिशन गायब हो गया। हाँ वो एडिटर बैठा है उधर सामने। तो एंग्री ब्रैश, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर जगह सारे वीडियोस। आपने रिसेंटली एक भाषण दिया और भाषण में साथ में म्यूजिक भी था, और उसके शब्द कुछ ऐसे थे, मैं नहीं हूँ टॉपर, टॉपर होगा तेरा बाप, टॉपर कर दू सारे साहब। हाँ मैं पहनता हूँ बरमूडा, ना दू चड्डी का हिसाब, ना दू चड्डी का हिसाब, ना दू चड्डी का हिसाब। तो आप चड्डी का हिसाब क्यों नहीं देंगे? नहीं, अगर आप मॉल में जाके खरीदते हो तो हिसाब तो आपको देना पड़ेगा, तो बिना हिसाब दिए कैसे निकल जाओगे? और ये बरमूडा का क्या सीन है? बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड तो नहीं? क्या आप इल्यूमिनाटी हो? मेरी नाक देख के इल्यूमिनाटी बोला ना मेरे को? तेरे को क्या करना है मेरे चड्डी के बारे में? मेरा बरमूडे के बारे में भी क्या करना? बेचेगा तू? फिर क्या करना क्या है? मैंने रैपर के बारे में बोला था, आई एम नॉट रैपर, मैं हूं रैपरों का बाप। हां तो मुझे लगा आपने एमीवेयर अफ्तार को डिस किया। एमीवेयर अफ्तार कहां से आया बीच में? मतलब डिस चल रहा है आपने भी डिस। मैं डिस भी नहीं करता, मैं सीधा हिस करता है। तो एंग्री ब्रैश में जब भी आपको स्क्रीन पे देखता हूं ना, तो आप बहुत पतले से दिखते हो ना, एक स्टिक फिगर जैसे, मगर आप मेरे सामने अभी लुकिंग लाइक अ हरा भरा कबाब, फुल भरा हुआ, 6 फुट लंबा। तो यार ये कैसे होता है? कार्टून है वो साला, मेरा कार्टून का कार्टून कैरेक्टर है वो, मैं नहीं जाता उसमें खुद। ओके सॉरी अबाउट दैट। अभी हम आपके बॉडी के ऊपर नहीं बात करेंगे, बॉडी शेमिंग इज वेरी बैड, नॉट गोइंग ओवर दैट। नाउ वी टॉक अबाउट योर फेस, दिस अमेजिंग फेस दैट यू हैव। ओके, तो थ्री इडियट्स में ना रैंचो को लगता था कि किस करते हुए जो नाक है वो बीच में आ जाती है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरे केस में नाक बीच में नहीं आती। तो क्या बीच में आती? लड़की की आग बीच में आ जाती। वो कैसे? वो मैं जाता हूँ केस करने, केस करने के लिए, तो आँख में मेरी नाक घुस जाती है। ओ। फिर वो मेरे को आईसीयू का भाड़ा भरना पड़ता है सब। यार यही होता है, अगर बच्चा बचपन में ज्योमेट्री ठीक से ना पढ़े तो एंगल गलत हो जाता है, तो आपको सही से एंगल लेना होगा और मुंडी ऐसी टेढ़ी करनी होगी। ऐसा टेढ़ी करो, टेढ़ी एंड देन पाउट एंड गो अहेड नेक्स्ट टाइम। तो देखो मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत ही सिंपल है, मैं दिखाता हूँ आपको। मेकअप, अपनी नाक साफ, आप अपनी नाक देखो ना। ब्रैश भाई, आपका टिंडर के बारे में क्या ख्याल है? टिंडर पसंद है क्या? शर्मा गए, गोल्डन प्ले बटन देख के राइट स्वाइप आ जाता है। तो उसके बाद आपको कुछ प्ले करने मिला, कुछ बटन वटन दबाए उसके बाद? डायमंड का इंतजार कर रहा हूँ। हर आदमी का नहीं, बचपन से एक सपना होता है कि मुझे कुछ करना है। जैसे आप मुझे देख लो, मुझे ऐसा जॉबलेस यूट्यूबर नहीं बनना था। तो आपका भी कुछ सपना होगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो क्या सपना था? मैं सपने नहीं देखता। ओके, होता है यार, बड़े लोग हैं, बड़े लोग टाइम का है सपने देखने का। कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर। अभी आप पहले करते थे रैंट, फिर आप बन गए इंजीनियर, और इंजीनियर बन के आपने बड़ी बड़ी सर्जरियां की, लोगों को मार डाला,
उसके बाद में आपने आइजैक न्यूटन को भी हराया और टाइम ट्रेवल इन्वेंट किया, ग्रेविटी इन्वेंट किया, तो ये सब आपने कैसे कर लिया, क्या इंस्पिरेशन थी? न्यूटन का नाम मेरे सामने नहीं लेने का, जिंदगियां बर्बाद हो गई न्यूटन के वजह से। पता है एक इंजीनियर को कितना भुगतना पड़ता है, दर्द होता है दर्द। नहीं, मैंने 12th के बाद कॉमर्स में शिफ्ट कर लिया था, मुझे नहीं पता। अच्छा क्या, बहुत अच्छा। नहीं वैसे मतलब फिलहाल मैं भी भुगत ही रहा हूँ, मतलब चैनल में कुछ खास चल नहीं रहा, कुछ कमा ही नहीं। रो मत रो मत, मैं यूट्यूबर का ऐसा ब्रांड के लिए रोते हुए नहीं देख सकता। बहुत बहुत मेरे को भी बहुत दर्द होता है ये मेकअप। नहीं नहीं नहीं, मेरा हो गया, हो गया, मैं ठीक है, मैं ठीक है, मैं खुश हूँ, मेरे बाबा मुझे खुश जन्म दिए, मैं खुश हूँ। अच्छा तो ब्रश भाई, नागू पीता है देसी, मजदू क्या पीता है हमें तो मालूम नहीं, और आजकल तो चीता भी पीता है, ब्रश क्या पीता है? मैं पानी पीता है, आप पियोगे? हाँ बाद में पीऊंगा, प्याज बीज तो क्या लगती ही नहीं हमें। लेकिन एक बात याद रखना, डर के आगे जीत है, एंड रेड बुल गिव्स यू विंग्स। आज आपने प्रूव करके दिखाया क्या, जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है तब तक लोग चूतिया बनते रहेंगे। पॉइंट तो है, पॉइंट 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 पॉइंट। आपने एक बार बताया था कि एक बार रात में आपके पीछे कुत्ते भागे थे, तो फिर दिन में आप उनके पीछे क्यों नहीं भागे? क्योंकि रात में उन लोगों ने मेरे पैर को काट दिया। हाँ तो आप दिन में काट लो उनके पैर को। लेकिन मेरा पैर ही बचा नहीं था ना भागने के लिए। ओके सो मिस्टर एंग्री ब्रश, आजकल जितने सारे मीटिंग्स है वो हो रहे हैं ज़ूम पे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इसी बहाने कि आप आपका फोन नंबर शेयर कर सकते हैं? नहीं तो सेव कर लो ना, मेरा स्टोरेज फुल हो गया है मेरा, वो ड्राइव क्लाउड दोनों फुल हो गए, अभी कोई क्लाउड बचा ही नहीं मेरे ऊपर। मैं आपको डायरी में मेरा नंबर लिख के देता हूं, अगली बार आएगा तो उठा ले। मेरे को पढ़ने को नहीं आता, माँ बाप ने स्कूल ही नहीं भेजा कभी। सो मिस्टर एंग्री ब्रश, आपकी उम्र क्या है, व्हाट इज योर एज? कुछ 350 साल हो गए होंगे अभी। 350 साल, दैट इज फेयरली यंग, सो आई वुड से अभी आपकी एज हो गई है शादी करने की, तो आप शादी क्यों नहीं करते? सो मेरी जो पहली चार बीवियां थी। ओह आपकी भी चार? नहीं मेरे को भी अलाउड है। अच्छा ओके, तो मेरी जो पहली चार बीवियां थी उन लोगों ने मेरे को सजेशन दिया कि प्रयास तू कभी शादी मत कर। तभी आप लाइक यू जस्ट बिलीव इन लिव इन रिलेशनशिप, यू नो कीपिंग इट कैजुअल, सेलिब्रेसी, व्हाट आई आई बिलीव इन कि शादी करके कुछ उखाड़ने नहीं वाला। सही बात, किसका भला हुआ है मेरे को बता शादी करके? मेरा तो नहीं, बट मैंने अभी तक शादी नहीं की। मैंने की है ना, चार बार की है, मेरे चार प्रॉपर्टी अभी किसी और के नाम पे। तो मेरे अलावा और कौन सा यूट्यूबर है जिसको आप इतना फॉलो करते हैं? एक तो एंग्री प्रैश, एंग्री प्रैश, तीसरा मुझे मालूम है क्या, एंग्री प्रैश नहीं प्रैश गेमिंग। मैं बोलने ही वाला था, मतलब मेरे इधर तो आया था, दु 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 दु, मैं बस बोलने वाला था। मिल 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 मैं छोड़ रहे। देखो भाई मैं ना कांदिवली से गोरेगांव इधर इस स्वीट रूम बुक करके अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया। तो कहां जाते हो बेइज्जती करवाने? मैं बेइज्जती करवाने कहीं जाता नहीं हूँ। अच्छा घर पे आते हैं बेइज्जती करने लोग? नहीं घर पे भी कोई नहीं आता है बेइज्जती करने के लिए। कोई नहीं आता तो बेइज्जती हुई ना? इन अ वे हुई, बट नहीं बात कर रहे हम लोग बेइज्जती के बारे में। तो आपने तो शुरू किया। तो आज का समय समाप्त होता है यहीं पे, और एपिसोड 1 को हमें इधर ही खत्म करना पड़ेगा। But guys, don't worry. Episode 2 भी बहुत जल्द आने वाला है Angry Prash के साथ। हम खिलेंगे Never Have I Ever और एक बहुत ही tough question पूछेंगे जिसका जवाब देना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को ये episode 2 किसने बोला? Please hit the like button. कोई like नहीं करेगा। बात करना है, गुप्तगु करना, comment करना। गुप्तगु इधर live second episode कब? और guys, जो भी हो जाए, please hit the subscribe button because किसने बुलाया इधर?
एपिसोड क्यों नहीं होगा मेरे का? ए मैनेजर चल इधर, लेट हो गया है साला, एपिसोड क्यों लगा?